नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, फाइनली ओमान एयर ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दिया है इंडियन वर्कर के लिए जो इंडिया से ओमान जाना चाहते हैं या फिर ओमान से इंडिया आना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन अपडेट है, उन्होंने अपना नया शेड्यूल इंडिया के लिए जारी किया गया। कौन कौन से एयरपोर्ट से इंडिया से ऑपरेट करने वाली, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। चाहे वो वीजा हो गया, एयरपोर्ट हो गया या ओमान सुप्रीम कमेटी की कोई भी डिसीजन आए, तुरंत आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे देखे कि दुनिया की बेस्ट एयरलाइंसों में से एक जो कि देखे तो ओमान एयर है, जो देखा जाए तो एक बेहतरीन एयरलाइंस है, क्योंकि यहाँ पे देखे तो एक से एक बेहतर सुविधा ओमान एयर आप सभी यात्रियों के लिए प्रोवाइड करती है। बात करें यहाँ पे उन्होंने अपना इंडिया के लिए नया शेड्यूल जारी किया, क्योंकि देखे तो इस समय कोरोना वायरस जो है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, पूरी तरह से वो खत्म हो रहा है। कोरोना वायरस की अगर जो बात कर ले तो ये भी पूरी तरह से अब खत्म हो रहा है, जो काफी बेहतरीन है। चाहे इंडिया हो गया, इंडिया की बात करें तो आप सभी को तो मालूम होगा कि इंडिया में कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट को पूरी तरह से अब ओपन कर दिया गया, जो एक हिसाब से काफी बेहतरीन, लगभग 2 सालों के बाद ये कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया। जब देखें कोरोना वायरस की केसेस पूरी तरह से अब कंट्रोल में आ चुके हैं और लगभग 150 करोड़ इंडिया में वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं। ओमान की बात करें तो ओमान में भी लगभग वहां की 85% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी तरह दुनिया की हर कंट्री में वैक्सीनेशन के काफी जोरों शोरों से जोर लगाया गया, जिसकी वजह से अब कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो रहा है। भारत सरकार ने भी फ्लाइटें चालू कर दी। अब बात करें यहां पे जो ओमान एयर ने अपना फ्लाइट शेड्यूल जारी किया, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ओमान एयर ने अपना फ्लाइट स्टार्ट कर दिया है। अगर जो आप आना चाहते हो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ओमान एयर के थ्रू तो आ सकते हो, या फिर दिल्ली से मस्कत जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होने है। दूसरी बात करें तो यहां पे उन्होंने मस्कत से मुंबई की फ्लाइट, जी हाँ, मस्कत से मुंबई की फ्लाइट वो चालू कर चुकी है, जो काफी बेहतरीन है। जो लोग भी यात्रा करना चाहते हैं मस्कत से मुंबई या मुंबई से मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए या फिर वाया जाना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली। तीसरी बात करें तो यहाँ पे कोचीन से अपडेट निकल के आ रही है कि मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोचीन के लिए भी फ्लाइटें स्टार्ट कर चुकी है ओमान एयर। उसकी बात चौथे की बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए भी ओमान एयर फ्लाइट चालू कर चुकी है, जो काफी बेहतरीन है, जो लोग भी जाना आना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे लखनऊ इंटरनेशनल, जी हाँ, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी ओमान एयर कर जो देखे तो फ्लाइटें चालू करने वाली है, अगले महीने में ये चालू करेगी। क्योंकि यहाँ पे देखे तो सऊदी अरबिया हो गया ओमान हो गया, इन दो जगहों के यात्री ज्यादातर वो लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना ओमान एयर को यूज करते हैं। तो आने वाले वक्तों में अगले महीने से वो फ्लाइटें को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी, जो काफी बेहतरीन रहेगा। उसके बाद अगर जो देखे पांचवा, तो पांचवी की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई के लिए, जी हाँ, मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चेन्नई की फ्लाइटें चालू हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ये ऑलरेडी चालू कर दिया है ओमान एयर ने, जो काफी बेहतरीन है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के, मैं पहले फिर से दोहरा रहा हूँ कि लखनऊ के लिए अगले महीने से ओमान एयर अपना फ्लाइट चालू करेगी। अभी सलाम एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ही ऑपरेट कर रही है। तो यह थी अपडेट, और कोई क्वेश्चन होगा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा। नमस्कार।